राहुल गांधी को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है दोपहर 3:30 बजे, फिर से उनसे पूछताछ शुरू हो गई है। तो करीब 3.5 घंटे आज राहुल गांधी से यहां पर पूछताछ हुई, उसके बाद लंच ब्रेक हुआ, 2:30 बजे से ब्रेक राहुल गांधी को दिया गया, उसके बाद फिर से राहुल गांधी से पूछताछ शुरू हो गई। तो ईडी दफ्तर यहां पर राहुल गांधी करीब 3.5 घंटे तक आज राहुल गांधी से पूछताछ हुई है। एक बार फिर से उनको 3:30 बजे बुलाया गया था, पहुंच गए हैं लंच के लिए, राहुल को 2:30 बजे ब्रेक दिया गया था। तो राहुल गांधी से एक बार फिर से पूछताछ शुरू हो गई है। यहां पर बता दें कि 2:30 बजे तक पहले पूछताछ हुई राहुल गांधी से, और राहुल गांधी पैदल मार्च करके ही ईडी दफ्तर पहुंचे थे, और उसके बाद राहुल गांधी से लगभग 3.5 घंटे तक पूछताछ हुई। एक बार फिर से उनसे पूछताछ अब शुरू हो रही है। 3:30 बजे का वक्त दोबारा तय किया गया था, क्योंकि लंच टाइम हुआ था, लंच ब्रेक हुआ था, 2:30 से 3:30 का वक्त यहां पर दिया गया था राहुल गांधी को भी लंच के लिए। उसके बाद फिर से एक बार ईडी ने उन्हें समन किया है, और राहुल गांधी जब पहुंचे उस वक्त की तस्वीर मार्च करके पहुंचे, प्रियंका गांधी भी साथ में उनके मौजूद रहीं। राहुल गांधी ने पैदल मार्च किया, कार्यकर्ताओं की इस दौरान गिरफ्तारी हुई बड़ी संख्या में, हिरासत में दिग्गज कांग्रेसी आज लिए गए। ने हमें अंग्रेज दबा पाए और न अंग्रेजों के उस समय के मुखबिर और आज की सत्ता के हुक्मरान दबा पाएंगे। हम दृढ़ता से, शांतिप्रिय और गांधीवादी तरीके से बीजेपी के इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ईडी तक श्री राहुल गांधी के नेतृत्व में पैदल मार्च करके जाएंगे। उनकी झूठ की अदालत में सत्य की विसात पर आधारित हर सवाल का जवाब देंगे। यही हमारा संकल्प है और यही गांधी का रास्ता। एजीएल के ऊपर राहुल गांधी का, सोनिया जी का मालिकाना हक गैर कानूनी तौर पर संपत्ति पर अधिकार जमाने का एक प्रयास है। इसलिए आज जो गतिरोध कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता राहुल गांधी के बुलावे पर कर रहे हैं, मैं देश को बतलाना चाहूंगी कि ये लोकतंत्र को बचाने का प्रयास नहीं है, गांधी खानदान की 2000 करोड़ की संपत्ति को बचाने का प्रयास है। हम तानाशाही के खिलाफ, निरंकुशता के खिलाफ लड़ रहे हैं। एक ऐसा मुकदमा जो देश की आजादी की लड़ाई के अखबार के लिए, जिसने जब भाजपा के लोग मुखबिरी कर रहे थे, अंग्रेजों से मिले हुए थे, भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध कर रहे थे, उस अखबार में सिर्फ इसलिए राहुल गांधी की आवाज़, सोनिया गांधी की आवाज़ दबाई जा रही है जिससे हम सब आवाज़ न उठा सकें भाजपा के लिए, उसी के खिलाफ ये सत्याग्रह है, पूरी तरह सत्याग्रह है। जो आज कांग्रेस पार्टी कर रही है वो जश्न भ्रष्टाचार है, सेलिब्रेटिंग करप्शन। देखिए, राहुल गांधी को बार बार कांग्रेस पार्टी ने लॉन्च करने का प्रयास किया है, कभी खाट यात्रा करके, कभी अच्छे लड़के दो बना करके, मगर वो कभी लॉन्च नहीं हो पाए हैं। आज फिर से कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार के प्लैंक से राहुल गांधी को रीलॉन्च करने की कोशिश कर रही है, यह भी फेल होगा। केंद्र सरकार कितनी डरी हुई है, भारतीय जनता पार्टी कितनी डरी हुई कांग्रेस और कांग्रेस नेता राहुल गांधी से, उसका जीता जागता उदाहरण है कि कांग्रेस कार्यालय में कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता ना आ पाए, ये व्यवस्था आपने कर रखी है, तो कितनी डरी हुई है भारतीय जनता पार्टी। जो करप्शन के कुएं से इस तरह के करप्शन के कंकालों का कोताहल है, वो इस बात को बहुत साफ करता है कि दाल में काला नहीं बल्कि पूरी की पूरी दाल काली है। ईडी या देश की में जिस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है और लोकतंत्र को एक आतंकित करने का जो प्रयास किया जा रहा है, उसके विरोध में ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। क्या छिपाना चाहते हैं, क्यों नहीं जाना चाहते, क्या एक परिवार और एक पार्टी के लिए अलग कानून हो, क्या कानून सबके लिए बराबर नहीं है, क्या जांच एजेंसियां जैसे बाकी भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करती है, क्या उससे एक परिवार को अलग रखना चाहिए। हम सत्याग्रह पर हैं और हमारे जो सत्यमेव जयते की भावना के साथ राहुल जी ईडी के सम्मुख जो वास्तविक अर्थों में भाजपा की चुनाव मशीनरी है, उसका हिस्सा है, उसके सामने उपस्थित हैं, और जो वो जानना चाहेंगे
उसका जवाब दिया जाएगा। अगर इनको ईडी से कोई तकलीफ है तो कोर्ट में जाएं, लेकिन अगर ये समझते हैं कि भ्रष्टाचार करेंगे और राजनीतिक रूप दे करके बच जाएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि अब देश की सरकार या देश की संस्थाएं सबके साथ न्याय करती हैं, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करती हैं। इधर ईडी पूछताछ पर बीजेपी ने राहुल को घेरा है। बीजेपी महासचिव तरुण चुग से बातचीत की हमारे संवाददाता कुमार गौरव ने, सुनवाते हैं आपको। ये राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग मेरे साथ हैं। सर, राहुल गांधी से ईडी लगातार पूछताछ कर रही है और पूरी कांग्रेस पार्टी आज सड़क पे थी और आरोप आप लोगों की सरकार पे लगाई है कि आप लोग डरे हुए हैं एक गांधी के सत्याग्रह से। भ्रष्टाचारी जालसाजी के आरोप में जो लोग पहले ही जमानत पर हैं वो ऐसी बातें कर रहे हैं। कौन डरा है, कौन साथ लेके गया है, ये जमावड़ा किसके लिए इकट्ठा किया गया है? और आज ये जमावड़े ने सिद्ध कर दिया है कि अब कांग्रेस में इंस्टीट्यूशनलाइज ऑफ करप्शन की स्वीकार्यता है। लूटो और बांटो, जिन्होंने लूटा और जो जमानत पर है इसी केस की धोखाधड़ी जालसाजी के ऊपर, वो अपने साथ संख्या लेके क्या बताना चाह रहे हैं? आज जो गतिरोध हुआ है कांग्रेस के नेताओं की और कार्यकर्ताओं की ओर से, ये राहुल गांधी जी के बुलावे पर हैं। ये लोकतंत्र को बचाने के लिए नहीं, देश के स्वतंत्रता संग्राम के लिए नहीं, देश के गरीबों की समस्याओं के लिए नहीं, देश के किसी विषय के आंदोलन के लिए नहीं, लेकिन एक भ्रष्टाचारी नेता को जिसने धोखा किया है, जिसने जालसाजी की है, उसे बचाने के लिए ये जमावड़ा इकट्ठा हो रहा है। कांग्रेस ये आरोप लगा रही है सर कि आप लोग विपक्ष को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। वो सड़क पे उतरना चाहते थे, कोई माइक नहीं था, कोई लाउड स्पीकर नहीं था। 20-50 लोग कौन दबाना चाह रहा है, कौन दबाना चाह रहा है? आपकी पार्टी तो रोज बिखर रही है। अरे भ्रष्टाचारी को पकड़ना होगा, छोड़ेंगे नहीं, नहीं छोड़ेंगे। शुक्रिया आपका। कैमरामैन अजय के साथ कुमार गौरव, News 24 दिल्ली। तो आज राहुल गांधी से करीब 3.5 घंटे पूछताछ हुई और लंच के बाद फिर से वो ईडी दफ्तर पहुंच गए हैं, उनसे पूछताछ हो सकती है। अस्पताल जाकर सोनिया गांधी से भी मुलाकात राहुल गांधी ने आज की। ईडी में फिर से अब वो पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी से करीब 3.5 घंटे आज पूछताछ हुई है। 2:30 बजे लंच ब्रेक पर उनको छोड़ा गया था, उसके बाद फिर राहुल गांधी लंच ब्रेक से वापस अभी भी दफ्तर फिर से पहुंच रहे हैं। अस्पताल जाकर उन्होंने सोनिया गांधी से भी मुलाकात की राहुल गांधी।